स्किजोफ्रेनिया डायग्नोसिस के बारे में मैं यह वीडियो में बातचीत करने वाला हूं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। मानसिक लक्षण जब एखादे व्यक्ति को दिखाई देते हैं, तो जब हमारे पास में कोई रिलेटिव्स लेके आते हैं, रिश्तेदार लेके आते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि इसको स्किजोफ्रेनिया है या और कोई मानसिक बीमारी है। हो सकता है कि हमको पहले उसको चेक करना पड़ता है कि उसको मेडिकल कंडीशन कुछ है क्या, कोई बदन की शिकायत है क्या, कि भाई उसके वजह से उसको मानसिक लक्षण दिखाई दे रहे। तो पहले हमको उसके उसके ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, कोई ड्रग्स लिए है क्या, उसके वजह से भी हो सकता है कि कोई ड्रग्स लिए है, दवाई लिया है, उसकी वजह से उसको ऐसे कंडीशन आ रही है। तो मानसिक लक्षण है इसका मतलब स्किजोफ्रेनिया ऐसा नहीं है। उसको मेडिकल कंडीशन कुछ है क्या, शारीरिक बीमारी है क्या जिसकी वजह से मानसिक लक्षण है क्या, उनको देखना पड़ता है। सब टेस्ट करने के बाद में फिर हमको ये नतीजे पे आना पड़ता है कि ये स्किजोफ्रेनिया है। हो सकता है कि कभी स्किजोफ्रेनिया मतलब जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है ना, तो इसमें हो सकता है कि उसका मूड एकदम हाई हो या उसका मूड डाउन हो, तो वो भी हमको देखना पड़ता है कि इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर है क्या, मतलब उन्माद है या डिप्रेशन है, वो भी हो सकता है उसको, तो देखना पड़ता है। या फिर स्किजोफ्रेनिया और मूड इकट्ठा है, मतलब स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है क्या। तो एक बार वो हमने देख लिया तो फिर डायग्नोसिस करना आसान हो जाता है कि भाई स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, स्किजोफ्रेनिया है, ड्रग्स से है या कोई मेडिकल कंडीशन से है। 5 साल के ऊपर के बच्चों को स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, मगर किशोर अवस्था के पहले स्किजोफ्रेनिया बहुत कम दिखाई देता है। स्किजोफ्रेनिया में उसका वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, रियलिटी अनरियलिटी समझता नहीं उसको कि क्या रियल है क्या अनरियल है। हेलुसिनेशन उसको आते हैं, मतलब भ्रम, पंचेंद्रिय जो है अपने हैं तो उसके भ्रम होते हैं, विचारों के भ्रम होते हैं, और उसके वजह से उसके वास्तविकता से संबंध टूट जाते हैं। वो डरा हुआ इंसान हो जाता है, घबराया हुआ है, उलझाया हुआ इंसान लगता है। एक तो वो वायलेंट हो जाएगा, किसके ऊपर आक्रमण कर लेगा, हिंसा कर लेगा, या फिर अकेला अकेला रह जाता है, लोगों से टूट जाता है, कमरे में अकेला बंद करके रख देता है खुद को, किससे मिलता जुलता नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करता, या फिर कभी कभी घंटों तक एक जगह बैठ जाएगा, पत्थर जैसा कड़क हो जाएगा, घंटों तक हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं। तो ऐसे अलग अलग उसके लक्षण दिखाई देते हैं। एक ही है कि जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस हम कर सके उतना अच्छा है। रिलेटिव्स ने देखना जरूरी है, रिश्तेदारों ने, कि अपने घर के लोग जो लोग हैं स्पेशली 20 से 30 साल की उम्र में कुछ अजीबोगरीब, मतलब कोई ऐसे कुछ दिख रहे हैं, कुछ लक्षण, नींद में कुछ गड़बड़ हो रही है, अकेला अकेला रह रहा है, या कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है, या कभी ज़्यादा हर्ष में आ रहा है, या कोई डिप्रेस हो रहा है, या कभी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी लक्षण हो गए तो उसको पकड़ना चाहिए वो बीमारी को, और तुरंत उसको डॉक्टर के पास में लेके जाना चाहिए। ये बीमारी का जितना इलाज जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उसको कहा जाता है मन का कैंसर। इसमें 1/3 1/3 लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं कम्प्लीटली, 1/3 लोग दवाई लेके ठीक रहते हैं और 1/3 लोग ठीक ही नहीं होते। तो ठीक कौन नहीं होते, जिनको जल्दी डॉक्टर की तरफ लेकर नहीं जा सकते या लेके नहीं जाते, बाहर का इलाज करते रहते, नहीं ठीक है स्वभाव विचित्र हो चुका है ऐसा बोलते रहते और खींचे जा रहे, उसमें फिर वो क्रॉनिक हो जाता है। तो वीडियो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीमारी क्या है, उसका इलाज होना जरूरी है। आबादी के 1% लोगों को ये बीमारी होती रहती है उनकी ज़िंदगी में, तो जितनी जल्दी इसका मतलब जितना जल्दी इसका इलाज शुरू होता है उतना अच्छा है। आपके ग्रुप के ऊपर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन होता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आपको आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।